नमस्कार, इंटरव्यूज की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों से मुलाकात कराएंगे। आज जिस व्यक्ति से हम आपकी बातचीत कराने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं। ये जनाब बैंक लूटते हैं। जी हाँ, इन्हें आप पायरेट्स ऑफ द बैंक या फिर बैंक बैंडिट भी कह सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार। सर, आपकी तारीफ। अभी तो आपने बताया कि मैं एक डाकू हूँ। अरे सर, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? इतने अच्छे कपड़े पहने आपने। एक चीज बताइए, ये कपड़े क्या आपने बैंक लूटने के बाद खरीदे हैं क्या? अरे नहीं जी, आजकल हम इन्हें पहन के बैंक लूटते हैं, और क्योंकि हम स्टाइलिश कपड़ों में बैंक लूटते हैं तो वी आर नोन एज बैंक रोबर्स, नॉट बैंक रॉबर्स। गुड वन सर, बैंक रॉबर्स नहीं, बैंक रोबर्स। पर सर, आपके पास चाकू, छुरा या कोई आम भी दिखाई नहीं दे रहा? अरे नहीं सर जी, आजकल हमें बैंक लूटने के लिए आर्म्स की नहीं चार्म्स की जरूरत होती है। ओ सर, क्या कोट दिया आपने, आम नहीं चाम मांगता। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका मॉडस अप्रेंडी क्या रहता है? बहुत सिंपल है। पहले मैं बैंक के टॉप ऑफिशियल्स को अपने चार्म से डिसार्म करता हूं। उसके बाद आई टेल देम टू थिंग्स, गिव मी अ लोन, अ हेफ्टी लोन, एंड देन लीव मी अलोन। एज सिंपल एज दैट। और वो मान जाते हैं। ये बताओ, ये बैंक्स किस चीज पे चलता है? सर बेसिकली तो इंटरेस्ट पे चलता है। तो सिंपल है ना। तो मैं बैंक्स के टॉप ऑफिशियल्स के इंटरेस्ट का टेक केयर करता हूं, और वो मेरा। अच्छा सर, ये बैंक लूटने की आपने सोची कब? कब सोची? देखिए, इट इज अ टिपिकल बॉलीवुड रिवेंज ड्रामा। जब मैं बैंक जाता था अपने पैसे निकालने के लिए, तो मुझे अक्सर ये एक्सपीरियंस होता था कि कोई कह रहा है, अरे बाबा दूसरे काउंटर पे जाओ, अरे भाई उस काउंटर पे जाओ। एक बार तो हद कर दी इन्होंने, जब मैंने एक पेन मांगा टू साइन अ डिपॉजिट स्लिप ऑफ अ लैक ऑफ रुपीज, मेरे को एक 2 रुपए का पेन पकड़ा दिया, और वो भी एक लंबी सी रस्सी से बंधा हुआ। तो मैंने सोचा, एज द बैंक, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, आई विल मेक श्योर दैट आई विल डू समथिंग, कि कोई बैंक्स को ट्रस्ट नहीं करेगा। ओ, तो ये रीजन था। एक और रीजन है जिसके लिए मैंने ये तरीका अपनाया। अब आप सोचिए, हम बापू को लूटने जा रहे हैं ना, गांधी को, तो बापू ने क्या कहा था? नॉन वायलेंस। वो प्रचार करते थे, तो हमने सोचा कि ये तरीका नॉन वायलेंट है, तो हम नॉन वायलेंट तरीका से बैंक लूटते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने बापू को रिस्पेक्ट देने के लिए इस तरह से बैंक लूटने की सोची। अच्छा, तब तो फिर हम यही कहेंगे कि लूटा है तुमने बैंक बिना किसी आम, और बापू का यूं कर दिया है तुमने बड़ा नाम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अच्छा सर, आप थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। हाँ जी, टेंशन तो है ना। देखिए, मैंने और मेरे जैसे देशभक्तों ने, जैसे कि माल्या, मोदी, चौकसी, हम सबने मिलके सारे बैंक तो लूट डाले। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। अरे सर, टेंशन क्यों लेते हैं, अभी तो आप और भी कई तरह के बैंक लूट सकते हैं। मैं समझा नहीं, जैसे कि क्या लूटे भाई, और कौन से बैंक रह गए हैं लूटने को? वोट बैंक, ब्लड बैंक और स्पर्म बैंक। ये